सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए आर्क इटर्नल का एक और नया एपिसोड। आर्क इटर्नल के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने खतरनाक वाला ये फायर भाई फायर वेलेनोसॉरस करा था टेम, जो कि अपने भाई मुंह से भाई अनलिमिटेड भाई गोलियां छोड़ सकता है। देख रहे हो भाई, खतरनाक वाली। एंड प्लस भाई ये छोड़ता है भाई आग। भाई देख रहे हो भाई, आग छोड़ता है अपने मुंह से, एकदम डेंजरस भाई। ये वेलेनोसॉरस हमने करा था पिछले एपिसोड में टेम। आप बोलेंगे भाई ये वेलेनोसॉरस टेमिंग की तो वीडियो आपके चैनल पे नहीं है, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी भाई इस गेमिंग विद एनी के चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो चेकआउट करनी है, गेमिंग विद एनी के चैनल को चेकआउट करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गेमिंग विद एनी के चैनल का। वहां पे जाके आप उनकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उनकी वीडियोज मतलब उनके चैनल पे काफी टाइम से हमारी वीडियो आ रही है क्योंकि उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन शायद कुछ दिनों बाद जो है आपको उनके चैनल पे उनकी वीडियोज रेगुलर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तब तक अपनी वीडियो उनके चैनल पे आती तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। 30,000 पे गेमिंग विद्यानी करने वाली फेस रिवील, तो फटाफट 30,000 भाई पहुंचा दीजिए। एंड गाइस, हम 60,000 सब्सक्राइब के काफी ज्यादा नजदीक है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अराउंड 150 सब्सक्राइबर चाहिए 60,000 के लिए। अगर ये वीडियो अपलोड होने तक 60,000 कंप्लीट हो चुके होंगे तो थैंक यू सो मच मेरे बातची लोग, थैंक यू इतना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। अगर नहीं हुई है भाई, किसका इंतजार कर रहे हो भाई? नीचे लाल बटन ने सब्सक्राइब को दबा के भाई 60,000 पे पहुंचा दीजिए गाइस, फटाफट गाइस। ओके, तो चलिए भाई, आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले? आज के एपिसोड में हम टेम करने वाले भाई एक अजीब सा डायनो। आपने देखा ही होगा स्टेगोसॉरस की तरह एक डायनो दिखता है जिसका नाम आई थिंक है केंट्रोसॉरस समथिंग, ऐसे कुछ उसका नाम है ना। तो उस डायनो को आज के एपिसोड में टेम करने वाले। आप बोलोगे भाई उसका क्या फायदा भाई? ये तो भाई भाई वो स्टेगो की तरह होते तो कुछ खास डैमेज वैमेज नहीं दे पाता होगा, लेकिन नहीं गाइस, यहां पे आप गलत हो भाई। नॉर्मल वाला पता नहीं ज्यादा दे पाता है कि नहीं, लेकिन ये भाई जिस मॉड में हम खेल रहे हैं ना भाई, इटरनल में भाई वो कतई ज्यादा जहर भाई और कतई ज्यादा ओपी डायनो है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि उससे उसके हाथों से मैं 2 या 3 बार खुद मरा हूं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं। तो आज हम उसको टेम करने वाले। लेकिन भाई टेमिंग के लिए जाने से पहले आपने जो हमारे भाई रोबोट वाले मुसासोर के लिए जो नाम दिए थे वो मेरे पास आ चुके हैं। रुक जाओ, फटाफट उसका नामकरण करके आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा रोबोट वाले मुसासोर को हमने थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है। ओह यस, परफेक्ट लैंडिंग गाइज। ऐसी लैंडिंग आपने कभी कहीं पे देखी है? ऐसी ओपी लैंडिंग भाई, एकदम खतरनाक वाली। ठीक है, तो इस रोबोट मुसासोर के लिए काफी बंदों ने काफी खतरनाक एंड ओपी नाम भेजे थे, लेकिन उसमें सबसे अच्छा और इसको सूट करने वाला जो नाम लगा ना मेरे को, वो लगा भाई गॉड ऑफ द सी। यस गाइज, गॉड ऑफ द सी। एंड ये नाम हमको यहाँ पे सजेस्ट किया भाई ध्रुव ने, तो ध्रुव ब्रदर थैंक यू इतना अच्छा नाम बताने के लिए, एंड शाउट आउट टू यू ध्रुव ब्रो। तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे गॉड ऑफ द सी। ओके, गॉड ऑफ द सी। ओ यस, इसको ये पे रख देते हैं क्योंकि अगर बाहर निकालूंगा तो इसको अंदर इतने से सुमड़ी में घुसाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये कब से हवा में उड़ रहा है भाई? एलिमेंटल फायर प्लेसियोसॉरस भाई, कौन से नशे हो गए भाई तुमको? ठीक है चलो, इनको ये पे छोड़ देते हैं और अपन निकल लेते हैं भाई खतरनाक वाली टेमिंग पे। ओके, और गाइस शायद इसके अगले या फिर उसके अगले एपिसोड में हम लेंगे भाई फर्स्ट हमारी बॉस फाइट क्या इटरनल की। यस भाई, इटरनल की जो कि होगी शायद मीडियम लेवल पे या लो लेवल पे, पता नहीं। मैंने एक ट्रिब्यूट लगाया था ना, बॉस ट्रिब्यूट, वहाँ पे जाएंगे और भाई काज करके भाई बॉस फाइट लेंगे। और उसके लिए बॉस फाइट के लिए हम यूज करने वाले भाई गोरिला। अब मेरे को नीचे कमेंट करके बताना मैं फायर वाला या फिर पॉइजन वाला या फिर लाइटनिंग वाला, इन तीन गोरिला में से कौन सा गोरिला यूज करो। ये जो तीन अननोन गोरिला है ना अपने, एक है पॉइजन, एक है फायर एंड एक है लाइटनिंग, तो इन तीनों में से मैं कौन सा यूज करो? आप भाई अभी रुकना था वहां पे। ठीक है, ये मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। आप जो बोलोगे ना भाई वो वाला गोरिला लेके अपन जाएंगे और बॉस फाइट करके आएंगे पहली फुर्सत में। ओके, हियर वी गो। तो यहां पे अरे यार मेरे को ऊपर जाना था ना, मैं टेलीपोर्ट मार देता हूं सीधा, रुक जाओ भाई। ऐसे जाने से अच्छा भाई मैं टेलीपोर्ट मार लूं। ठीक है, यहां पे ऐसे सुमड़े में आ जा एंड होम टू, ऐसे टेलीपोर्ट मारेंगे उसकी लोकेशन देखते हैं। एंड वो क्या खाएगा? वो बेरीज खाएगा क्या? अगर वो बेरीज, अबे यार अगर वो बेरीज खाता होगा ना, एक मिनट रुक जाओ, अगर वो बेरीज खाता होगा तो मेरे पास वो वाली बेरीज नहीं है जो उसको टेम करने के लिए चाहिए होती है। रुक जाओ, यहाँ पे उसके भाई बंधु मेरे को दिखते रहते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम टाइम उसके भाई बंधुओं से मरते रहता हूँ। कहाँ पे वो भाई, वो कहाँ पे चला गया? अभी तो यहाँ पे दिख रहे थे भाई, भाई काफ़ी ज़्यादा इसके भाई इतने इसके पार्टनर लोग यहाँ पे दिख रहे थे, अचानक से सारे गायब हो गए क्या? मेरे को चेकआउट करना है। अगर ये बेरीज खाता होगा ना वो वाली डेंजरस वाली, तो वो बेरी मेरे पास नहीं है भाई। इटर्नल वाली जो बेरीज होती है ना, अल्फा या समथिंग कुछ बेरी है, वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे को बनानी पड़ेगी। मैंने फायर रेवेंजर करा गए, वहाँ फायर रेवेंजर तो है ना अपने पास, पड़ा हुआ है भाई, पड़ा हुआ है। रुक जाओ भाई, कहाँ पे गए भाई ये सारे? अच्छा ये रहा, नहीं ये तो अलग है भाई अचानक से भाई सारे के सारे गायब हो गए भाई। जब मेरे को चेकआउट करना है कि ये भाई किससे टेम होते, तब सारे गायब हो गए भाई। मजाक कर रहे हो भाई, निकल लेता हूँ, रुक जाओ
मिल तो नहीं रहे वैसे भी, जैसे भी मेरे को दिख तो नहीं रहे, बर्फ वाले बायोम में भी कोई दिख नहीं रहा। वो गेंडा, ये गेंडा स्वामी टेम करेगा, गेंडा स्वामी लेकिन किससे होगा टेम? गेंडा स्वामी तो टेम होगा भाई बेरिज से। भाई निकल लो बे, भाई सारे के सारे डायनो मेरे पीछे पड़ गए जैसे भाई पहली बार कोई इंसान देखा हो। ठीक है रुक जाओ, ओके रुक जाओ, यहाँ पे लैंड कर। ओके चल निकल लेते भाई, निकल लेते, देखते भाई वहाँ पे जाने में पता चल जाएगा। फायर इगुआनडॉन है क्या भाई? इगुआनडॉन वो भी फायर वाला? ओके ये भी सही है। चलो रैप्टर कौन सा है ये? फायर इगुआनडॉन, ये रैप्टर कौन सा था? ये अलग सा रैप्टर था कोई तो। ठीक है भाई उसको छोड़ देते हम फटाफट से, भाई यहाँ पे उसकी लोकेशन ले लेते। नाम क्या था उसका? ओके पॉइजन वाला भाई केंट्रोसोरस है, फायर वाला है, लाइटनिंग वाला है। ठीक है पॉइजन, पॉइजन की काफ़ी ज़्यादा कम डैमेज होता है, फायर वाले का काफ़ी ओपी डैमेज होगा। ठीक है और लाइटनिंग है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं कौन सा करूँ। ठीक है फायर करूँ या लाइटनिंग करूँ, ये प्राइम भी है ना, एक काम कर लेता हूँ फायर ही कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को पहले भाई फायर वाला चाहिए ही चाहिए भाई, क्योंकि फायर वाले कहते ही ज़्यादा ओपी होते हैं। लोकेशन है भाई 6756। ओके ठीक है 6756। और भाई अपन लेके जाएंगे भाई वाइब्रन, भाई वाइब्रन टेम करा भाई उसका कुछ तो यूज़ करेंगे अपन, वाइब्रन को लेके जाएंगे 6756 पे। भाई मरना नहीं, ओके नहीं मरा, अच्छी बात है। चल वरना भाई कभी कभी इसका ग्लिच अलग हो जाता है भाई, डायरेक्टली टपक जाता है भाई। ओके ठीक है ज़रा लोकेशन बताइए 6756 कहाँ पे भाई? 6756 ओ 67 यहाँ पे एंड 56 यहाँ पे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई। अच्छा वाइब्रेंट की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना भाई। भाई रस्ते में से थोड़े मजे मजे कर करके जाएंगे भाई। रुक जाओ रुक जाओ, ये रहा भाई रुक जाओ, तू क्या खाएगा भाई? तू क्या खाएगा पहले बता दे, क्या खाएगा? वो नॉर्मल खाएगा ना तू, आप चल ना फिर, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर ये नॉर्मल ये खाएगा ना, नॉर्मल जो ये होते हैं ना अखरोट नहीं, सॉरी नारियल, नॉर्मल नारियल खाएगा वो। उठा ले इसको। अरे भाई कैसे हो, क्या करोगे तुम? कुछ कर नहीं सकते बाबा, तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे इतना ज़्यादा ये क्यों है? फायर टाइप है जरा, एक सदी बीत गई भाई, एक सदी बीत गई फायर टाइप है जरा को टेम करने के लिए। मतलब कब से मेरे को फायर टाइप है जरा टेम करना है भाई, लेकिन कर ही नहीं रहे हम, कर ही नहीं रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसे लाल 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 क्या हो रहा है? कोई डायनो क्या खतरनाक वाला है यहाँ पे? कौन है भाई? पॉइजन ग्रिफिन, पॉइजन ग्रिफिन ऐसा इफेक्ट दे रहा है क्या? हाँ स्ट्रेंज, मैं सही जा रहा हूँ क्या गलत जा रहा हूँ? अबे मादर बट उधर नहीं जाना था मेरे को, इधर जाना था भाई, तभी मैं बोलूँ मैं गलत जा रहा हूँ यार। 67 एंड 56 ओके ठीक है, मेरे को इधर जाना है। ओके ठीक है फिर वी गो, चल मेरे बच्ची। ओके ये यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़े से भाई डायनोस को उठा उठा के पटक पटक के मार मार के चलेंगे। हेलो कैसे हो है ना भाई? उठा नहीं क्या कोई? नहीं उठा। ये स्पाइनो थे ना यहाँ पे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्पाइनो को उठा उठा के लेके जाएंगे। रुक जाओ यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, ड्रैगन को नहीं उठा पाएंगे अपन शायद, उठा पाएंगे क्या? अगर ड्रैगन को उठा ले तो मजे आ जाएंगे। रुको नहीं उठा पाया ना भाई मेरे पीछे। हेलो हेलो, पापा से पंगा नहीं लेते बाबा। ठीक है तुम ड्रैगन हो गए अपने घर पे भाई, अपन वाइब्रन है वो भी खतरनाक वाले, पहली फुर्सत में पेटी बना देंगे। स्पाइनो आजा आजा स्पाइनो, ए स्पाइनो अबे यार भाई निकलो भाई, एक को उठा के लेके जा रहा था, सारे भाई अटका के रख दिया इन्होंने मेरे को। ले भाई ऐसा है स्पाइनो, क्या बोलते रहे? गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कैसे? अच्छा फीमेल ही है, बॉयफ्रेंड कैसे रहे तेरा? आइए रुक जा रुक जा, तेरे को टॉप पे डाल के आऊँगा, तेरे को डायरेक्टली टॉप पे डाल के आऊँगा, इस स्पाइनो के साथ हम करेंगे खिलवाड़। आजा मेरे बच्चे आजा, रुक जा रुक जा, रुको जरा सबर करो, बाय बाय ग्रेट टाइम। जा भाई जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओ भाई उस खड्डे के अंदर डाल दिया, ले भाई मरने की, देख रहे हो क्या चुल मची हुई है भाई, वहाँ से भाई जंप कर दी उसने भाई, मर जा भाई, मेरे को क्या लेना देना है। ठीक है बता लोकेशन भाई 6756। अरे बाप रे ये तो और 400 किलोमीटर दूर है रे बाबा, पूरी की भाई तू प्राइमल ब्लड कहाँ से ऐड हो गया भाई मेरी इन्वेंट्री में? ठीक है चलो कोई ना, चलो भाई उस लोकेशन पे पहुंच जाते, क्योंकि वहाँ पे पहुंचने में मेरे हिसाब से भाई मेरे को 400 से 500 साल लगने वाले, ऐसा मेरे को लग रहा है भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है। चलो भाई वहाँ पे पहुंच जाते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वेट ओके गाइस, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं भाई 6756 पे, लेकिन मेरे को दूर दूर तक कहीं पे भी भाई दिखाई नहीं दे रहा है भाई वो। ओके ये ऊपर है क्या? ये ही है क्या फायर क्रेंटोसोरस? अच्छा भाई इसका तो भाई काम तमाम कर दिया है उसने, एलिमेंटल अल्फा ने भाई। हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? अरे वाह मैं भूल गया कि मैं इसके ऊपर से भाई गन नहीं चला सकता। ठीक है भाई यहाँ पे से भाई बने रहना, ठीक है लोंडे लोंडे बने रहना, लोंडे बने रहना भाई, उसको मेरे को बचाना पड़ेगा, उसको मेरे को बचाना पड़ेगा। वैसे क्रेंटोसोरस भाई पेलम पाल दे देगा मेरे को पता है भाई, भाई पेटी बना दी भाई लोंडे ने। ओके वाइब्रन है सॉरी, अरे जी सर जी वहाँ पे नहीं जाना सर जी, वहाँ पे वो शिकार मेरा है सर जी, वो मेरा है। ठीक है वो सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, वो मेरा था मेरा है और मेरा ही रहेगा। हो जा, क्या मजाक कर रहा है भाई, 41 मिलियन टॉर्पोर क्या सच में भाई 41 मिलियन टॉर्पोर है तेरा? भाई कार्नो
भाई भाई मर तो जा जल्दी से, अच्छी बात ये कारनों को बेहोश करूंगा। रुक भाई, नीचे काहे जा रहे हो भाई? 41 मिलियन टॉर्पर किसका होता है? इतना टॉर्पर तो वो कॉम्पी का भी नहीं था भाई। काहे चुल मच रहे भाई, हम साथ साथ है भाई। रुको रुको, जरा सबर करो। वाइब्रेंट वाइब्रेंट भाई, फॉल डैमेज नहीं खाना भाई। बाप रे, ये तो नॉकआउट हो गया भाई, ये लोंडा तो नॉकआउट हो गया। अच्छी बात अपने लिए ही है, क्योंकि हमको भाई इसको भाई बड़े आराम से भी अपन नॉक कर सकते भाई, मस्त बेकी। ठीक है ये ले, ओके नाइस भाई। 2 मिलियन भाई, इसको 41 मिलियन पहुंचाने में मेरे को सालों लगने वाले। बस ये अगर जल्दी ना मरे ना तो 41 मिलियन पहुंच जाएगा और हमको कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। ठीक है 3 मिलियन, ओके। और इसको भाई एक ही चाहिए क्या? पैसिव नहीं, नॉकआउट टेम है। ठीक यार भाई, पैसिव टेम तो हो जाता भाई, एक खिला देता पीछे से तेरे को मैं, मस्त बेकी। फिर भी गो अभी भाई, हेलो उठा ले रे बाबा, भाग जा रे बाबा। ये ऊपर चढ़ सकता है क्या रे बाबा? रुक, ऊपर चढ़ सकता है? इतने ऊपर तो नहीं आ पाएगा ना। आ गया क्या? और ऊपर? और ऊपर नहीं आ पाएगा ना? कितना ऊपर आ सकता है भाई तू? भाई अबे यार, तेरे ऊपर आने के चक्कर में तेरा टॉर्पर खत्म हो जाएगा भाई। इससे अच्छा मैं प्राइम ग्रिफिन ले बुला लेता भाई, इससे अच्छा तो मैं प्राइम ग्रिफिन बुला लेता भैया। आरजी को चुल मचेगी, मेरे को पता है ये आरजी को चुल मचेगी। नहीं मची क्या? ले भाई, मछली तो वाली है ना कभी ना कभी। रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को ग्रिफिन बुला दो, क्योंकि इससे नहीं होने वाला भाई। रेंदे बेटा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। एक मिनट रुक जाओ, होम टू फिर भी को लग गए लोले। ओके नाइस, फिर भी को प्राइम ग्रिफिन, ऑल राइट फिर भी को नाइस, फॉलो मी, ओके डन 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 डन। अभी मस्त है कि भाई प्लानिंग देखना तुम्हारे भाई की, तुम्हारे भाई की प्लानिंग देखना। ठीक है भाई, 10% तू चढ़ा दिया भाई मैंने टॉर्पर, इसको इसको 10% टॉर्पर तो चढ़ा दिया। अभी तुम्हारे भाई का प्लानिंग देखो, ऐसे यहाँ पे आने का, यहाँ पे ऐसे मस्त बेकी ग्रिफिन को ऐसे छोड़ के ऐसे इसके पूछ पे जाने का एंड मस्त बेकी इसको नॉकआउट करने का भाई। पीजी पीजी गाइज, नो प्रॉब्लम हो, नो प्रॉब्लम हो, देख रहे हो देख रहे हो, 5 मिलियन। अबे भागेगा कहाँ पे? अरे लोंडे, अरे लोंडे, अरे रुको, अरे रुको सर सर भाई, इतना दिमाग लगाया भाई ग्रिफिन को लेके आके, अभी तो भाग भागते हुए भाग रहा है भाई, क्या तेरे हैं मजाक कर रहे हो सर? ठीक है चलो गाइस, इसको मस्त है कि भाई 40 मिलियन का टॉर्पर दे देता हूँ मैं। 5 मिलियन तो पोड़ चुका है वैसे भी, वैसे 5 मिलियन पहुँच गया भाई। वापस आ रहा है क्या? वापस आ रहा है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वापस आ रहे सर, सर जी आप वापस आ रहे हो सर। हेलो सर, फिर हेलो सर, फिर 6 मिलियन, ओके ठीक है भाई। लगना नहीं, लगना नहीं, लगा तो दिक्कत हो जाएगी, लग नहीं रहा ना। ओके थोड़ा और ऊपर चल, थोड़ा और ऊपर चल, ओके नाइस, ओके नाइस। चलो चलो भाई, इसको 41 मिलियन का टॉर्पर दे देते फटाफट। वेट, 2 hours later. तो गाइज यहाँ पे आखिरकार भाई हम 50% भाई इसका टॉर्पर लेके आने में भाई सक्षम रहे हैं भाई। 50% हो चुका है, लेकिन भाई इतना ज्यादा टाइम ले रहा है ना भाई, क्या ही बोलूँ भाई आपको, क्या ही बोलूँ भाई, कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है भाई। ऊपर से इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा है भाई, देख रहे हो भाई 21 आ चुका है भाई, 21 हो चुका है, काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। ये कौन है भाई? ये किसका ग्रिफिन है? ये इसे काला काला क्यों दिख रहा है? वो हैरी, हैरी पॉटर का ग्रिफिन यहाँ पे कब आया? अभी तो नहीं था हैरी भी है क्या सर्वर में? उसका ग्रिफिन नहीं दिख रहा है उसका भाई, ये नहीं दिख रहा भाई, हैरी नहीं दिख रहा भाई। इसे ओपन में ग्रिफिन कैसे छोड़ के चला गया वो? हाँ पता नहीं, रेन दो भाई, रेन दो भाई, मस्त बेकी। यहाँ पे पहले इसको पहली फुर्सत में कर लेते हैं नॉकआउट भाई, इसका टॉर्पर चढ़ा देते, उसके बाद आपसे मिलते। रुक जाओ अभी, लगे जा गले भाई, गोली लग जा, ओके नाइस। ओ भाई साहब 22-23 पे जाने वाला है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है भाई, तो इसका टॉर्पर चढ़े तो उसके बाद आपसे मिलते। वेट, 6.5 hours later. भाई अभी ये भाग रहा है क्या? अभी रिटर्न नहीं आया भाई इस बार वो रिटर्न नहीं आया वहाँ से, वरना बेसिकली हमेशा वहाँ से रिटर्न आ जाता है। वो अभी भाग रहा है, ओके 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 ओके, ऑल राइट ऑल राइट। 32,000 यहाँ पे पहुँच चुका है भाई। हैरी पॉटर के भाई इसको कोई मार ना दे भाई, मैं उसको ऐसे मारने ऐसे बचाने भी गया ना, एक ऐसे पप्पी दिए ना मर जाएगा अरे बेचारे का ग्रिफिन। रेन दो भाई, वाटर सर जी तो दिख नहीं रहे यहाँ पे, ये तो दिख गया भाई मेरे को, गोलेम दिख गया लेकिन। ओके ठीक है, हियर वी गो, 33 मिलियन, ओके भाई काफ़ी ज़्यादा और टॉर्पर देना बाकी है, और मेरे हिसाब से अभी ये मारेगा नहीं भाई, क्योंकि अभी ये भागने लग गया भाई। 34,000 अराउंड भाई। अबे यार कौन मार दिया, अबे कौन मार दिया, अबे गोलेम, व्हाट इज दिस बिहेवियर गोलेम, गोलेम ब्रो व्हाई व्हाई, निकल ना पहली फुर्सत में, तेरी माँ का उसको मारने क्यों जा रहा है भाई? मेरे टेमिंग भाई, मैं इसको इतना मुश्किल से टेम कर रहा हूँ, तुम भेज क्या उसको मारने के लिए चले जा रहे हो भाई? 4 की 4 गोलियां कनेक्ट हुए भाई लोंडे को, खतरनाक भाई। यूटी कौन है भाई? नॉर्मल यूटी है ना, नॉर्मल है, मे भी फायर यूटी है। ओके ठीक है भाई, कुछ ज़्यादा ही नहीं टॉर्पर बाबा तेरा भाई, अभी तक 6 मिलियन टॉर्पर देना बाकी है इसको, 6 नहीं भाई 7 पकड़ सकते हो आप।
बाय बाय ब्रो, हैव अ ग्रेट टाइम। गया भाई, वो तो गया भाई, लेकिन ये नहीं जाएगा। ओके ठीक है, कितना भाई? भाई 36। चलो भाई आराम से भाई इसका 41 मिलियन पे पहुंचा देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वेट, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी तक भाई, अभी तक कितना भाई? 5 मिलियन भाई, 5 मिलियन देना बाकी है, जिसके लिए मेरे हिसाब से 10 मिनट्स तो लगेंगे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं भाई आपसे 10 मिनट बाद। 2000 years later. Okay guys, only अभी 800, 800 भी नहीं भाई, 500 के भाई, only 500 के इसको टॉर्पोर देना बाकी है भाई। हो गया भाई, समझ लो ना, अबे हो गया भाई, सच में हो गया भाई। अबे अभी तक टॉर्पोर चढ़ रहा है अबे तेरे को। ठीक है भाई, अनकॉन्शियस। ओके ये ले भाई नारियल, एक नारियल खाएगा ना भाई, एक क्या है 10 ले ले तू नारियल, लेकिन तेरे को एक ही दूंगा मैं, बहुत कंजूस हूँ। बाप रे, ओ टेम भी हो गया, मेरे को लगा टेमिल पर लगेगा क्या, मैं टेमिल पर लेके भी नहीं आया था। ओ माय गॉड, आजा 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 आजा, बस इसका डैमेज अगर अच्छा नहीं निकला ना भाई, तो इसके पे सच में भाई वही पहले कह खेलूंगा भाई, कह खेलूंगा बेस क्या भाई, इतना टाइम वेस्ट करा है ना इसने, अगर इसका डैमेज और भाई इसकी शक्तियाँ अगर अच्छी नहीं निकली तो भाई गया भाई ठाकुर, ये तो गयो भाई, ये तो गयो फिर। ठीक है, पहले इसको मेरे को शायद इसका सैडल बनाना पड़ेगा ना, शायद इसका सैडल बनाना पड़ेगा मेरे को। वेट, ये वाइब्रेंट को भी मैंने यहीं पे भेजा था क्या, मैं भसड़ मच गया भाई यहाँ पे। रुको इसको बाद में निकाल लूँगा, इनको नाम क्या है भाई तेरा, केंट्रोसोरस ना, रुक जाऊँ। और केंट्रो का सैडल है क्या, नहीं एलिमेंटल केंट्रो आर्मर है। अच्छा ये तो, यही तो है ना सैडल उसका, आर्मर मतलब वही सैडल होता है ना, वही सैडल होता है। ओ ग्रिफिन मेरे को फॉलो है भाई, अल्फा केंट्रो ना, हाँ ले भाई बन जा, नाइस बन गया भाई। हेलो सर, हेलो सर, अनफॉलो हो जाइए सर, सर जी ये पे रुक जाइए, अरे पहली फुर्सत में अनफॉलो हो जाइए। ठीक है, ओके डंडना डंडन, ये ले भाई। ओके ये लग जाए बस, इसको अगर नहीं लगा तो दिक्कत हो जाएगी, मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ, रुको वापस ऊपर से नीचे आने में दिक्कत हो जाएगी। ओ यस, इसके कांटों पे, कांटों पे खड़ा हो गया भाई मैं, लग जा गले, लग जा लग जा लग जा। अबे ये नहीं लग रहा भाई, ये वाला नहीं लग रहा, एलिमेंटल वाला दे भाई, एलिमेंटल केंट्रो का सैडल दे भाई। लोंडे लोंडे ये वाला लग नहीं रहा, ये सैडल तूने गलत दे दिया भाई, गलत सैडल दे दिया, अरे बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। केंट्रो का दूसरा एक सैडल देखा था मैंने ना, वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा भाई, किस में बनेगा भाई वो, एलिमेंटल केंट्रो सैडल है, ये तो अपने इन्वेंटरी में बनेगा क्या। केंट्रो 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 केंट्रो, एलिमेंटल केंट्रो ये रहा, मेरे हिसाब से इन्वेंटरी में बनेगा। ओके रुक जाओ, ओके अगर ये भी नहीं वर्क करा ना तो मेरे को बताने में इसको क्या भाई पहनाऊंगा, नॉर्मल वाला पहना दूंगा फिर। ओह द, एक मिनट रुक जाओ, तेरे ऊपर डायरेक्ट राइड कर सकता हूँ क्या भाई, कब बता देना भाई, या फिर यहाँ पे भी ले भाई, सैडल सैडल भी लिखा हुआ है और डायरेक्ट राइड भी कर सकते हैं, मजाक कर रहे हो सर है भाई, अलग ही नशे भाई, अलग ही नशे भाई ही तो। वाह भाई वाह, ठीक है भाई, ओके ठीक है, रुक जा भाई, इतने दूर नहीं, गेम बच जाएगा, सॉलिड वाला गेम बच जाएगा। ओके ठीक है, निकल बार, ओके हियर वी गो, बैठ जा, मूव क्लोजर टू राइड भाई, कांटों के ऊपर तो खड़ा हूँ उसके। ओ माय गॉड, ओ माय फ्रीकिंग गॉड मैन, ओके रुक जाओ भाई, आग ही आग भाई, आग ही आग। ओ भाई क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है, इसका कांटे देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं भाई, फर्स्ट टाइम मैंने ये टेम करा है भाई, फर्स्ट टाइम टेम करा है भाई, मैंने नॉर्मल वाला भी ये टेम नहीं करा था। बाय डाटा के राइट क्लिक पे, लेफ्ट क्लिक पे, ओ लेफ्ट क्लिक पे ऐसे पूछ मारेगा, ठीक है, सी से एक से जेड कंट्रोल, भाई तो फायर किस काम का फिर, सिर्फ वो दिखाने के लिए आ गए क्या, वो आग सिर्फ दिखाने के लिए है क्या भाई, हमारे साथ स्कैम हो रहा है गाइज, गौर से देखिए गाइज, हमारे साथ स्कैम हो रहा है भाई, आग क्या दिखाने के लिए लगी हो क्या तुमने, मजाक कर रहे हो सर। ले भाई तेरे हेल्थ में पॉइंट ले ले भाई, तेरी हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा है यार, काफ़ी हद से ज़्यादा है भाई, 500 मिलियन तो ऐसी होगी तेरी हेल्थ। ठीक है, हिट पोशन खा ले तू, ले भाई ऑल राइट, फिर भी गो, सारे के सारे पॉइंट्स इसके डैमेज में डाल दूंगा, देखते भाई डैमेज कितना चला जाता है, अगर डैमेज अगर 2 या 3 मिलियन चला गया ना फिर भी अपन खुश है भाई, फिर भी अपन खुश है, हमको ज़्यादा डैमेज नहीं चाहिए, मैं इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा, क्योंकि भाई ये जो अभी इसने कांड करे है ना भाई, इसके पास कोई भी शक्तियाँ नहीं है, और भाई 41 मिलियन टॉर्पर डैमेज क्या भाई, सच में मार दूंगा भाई, अगर लेफ्ट क्लिक वाला भी अगर डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ ना, मार तो नहीं सकता भाई, इतने मुश्किल से टेम करा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा भाई, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करा इसके ऊपर मैंने, और ये क्या टट्टी निकल गया भाई, इधर मारना इधर मार, वाह भाई वाह, उसको मारना है भाई, वो देखो सोया है ना, उसको मारना है, उसको मार भी नहीं सकता क्या भाई, क्या गुंडा बनेगा ये केंट्रो भाई, केंट्रो सर तो क्या गुंडा बनेगा भाई, वो आग क्या भाई शो के लिए लगा के रखी है, कुछ तो आग वाला अटैक दे देते मेरे को, व्हाट द हेल ड्यूड,
भाई कट गया भाई, कट गया भाई, इसको तो मार दे, इसको तो मार दे। कितना डैमेज दिया? 1 मिलियन। ओके अभी थोड़ा थोड़ा भाई खुश हो रहा हूँ मैं। आग भी लगा दी भाई। ओ ये बाइट अटैक से आग लगाता है क्या? लग गए इसके, इसके लग गए, क्योंकि भाई वो इसकी अच्छी बात ये है कि अपन इसके ऊपर भाई स्वॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जब बाइट अटैक देता है ना तो आग लग जाती है, कर्स है ना भाई, श्रापित एलोसोरस ना, नॉक्सियस एलोसोरस को आग किसी ने लगा दिया फिर? वो तो फायर वाला डायनो है वहाँ पे। ओ है ना डोने फायर वाला, ले भाई 800। क्या 800 की है क्या डैमेज इसका? वो क्या अच्छा वो, अरे भाई वहाँ पे वो ग्लिच हो गया था कि ए, रुक जाओ उतर के इसको हार्वेस्ट करना तुमको। अभी ग्लिच क्या हो गया पता है क्या? वहाँ पे वो था अपना रॉक एलिमेंटल एंड उसको होता है भाई शील्ड, तो उसके कारण वहाँ पे वो डैमेज थोड़ा सा ये हो गया। तो मेरे को लगा भाई इसका डैमेज बहुत ज़्यादा डटती है। स्मॉल एक्सपी पोशन खा ले भाई, चल मेरे बच्ची। ओके ठीक है, स्मॉल एक्सपी पोशन पे भी एक लेवल अप आ गया। वाह मेरे हिसाब से भाई 2 मिलियन तो नहीं जा पाएगा, लेकिन आई थिंक 1.5 मिलियन तो चला जाएगा भाई इसका डैमेज। सही है भाई, सही है भाई, सही है। सॉरी ब्रो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला हमने कहा, उसके लिए माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो सर जी। ओके रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये भाई ऐसे ग्लिच क्यों हो रहा है लोंडे? आग लगा दी भाई, आग लगा दी भाई उसको, भाई मर गया भाई। आग लगा दी थी मतलब मेरे आजू बाजू और कोई भटकता भी है तो उसको आग लग जाती है क्या ऑटोमेटिकली? ऐसा कुछ सीन है क्या? ठीक है रुक जाओ मैं आगे जाके देख लेता हूँ। मैं भी ऐसा ही कुछ तो सीन है ऐसा मेरे को लग रहा है भाई, देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है, देख ले तेरे को आगे जाके देख लेते भाई। यहाँ पे अभी एक भी डायनो नहीं दिखाई दे रहा, मैंने सारे डायनो की पेटी बना दी है क्या? एक भी डायनो नहीं दिखाई दे रहा मेरे को भाई। चला जा चला जा, आगे चल आगे चल भाई, एक भी डायनो नहीं है सच में यार, मेरे को उतनी दूर जाना पड़ेगा। रुक जाओ गाइस वहाँ पे पहुँचते उसके बाद आपसे मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। वेट भाई थक गया भाई, चल चल के सच में भाई, भाई तू तो भाई बंटी के साबुन से भी ज़्यादा स्लो निकला यार सच में भाई, सच में भाई कितना स्लो है भाई ये। ओके एक एलोसोरस यहाँ पे दिखाई दिया है मेरे को, ये एलो मैंने एक भी टेम नहीं करा ना। एलो आजा, आग लगेगी रुक जा तेरे को। वो आग लगी, ऑटोमेटिक आग लगी भाई इसको, कितना 5 सेकंड के लिए आग लगी भाई। नाइस नाइस, ये डैमेज देख। ले निकल पहली फुर्सत में, चल निकल निकल भेज के आग, लाड में आ रहा था भाई। नाइस भाई 1.4 मिलियन इसका डैमेज जा रहा है गाइस, ठीक है काफ़ी खतरनाक डैमेज जा रहा है भाई। 1.4 मिलियन मतलब भाई, ओके रुक जाओ 5 मिलियन पहुंच जाएगा आई थिंक, अभी आई थिंक 5 मिलियन पहुंच जाए। ओके भाई एक और लेवल पा गई ना भाई, डायरेक्टली 5 मिलियन भाई, 5 मिलियन सॉरी 1.5 मिलियन इसका डैमेज पहुंच जाएगा भाई, खतरनाक है भाई खतरनाक है। ठीक है मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था, लेकिन हाँ भाई ठीक है, चलो ठीक है भाई ठीक है, कुछ ज़्यादा खास चीज़ें भी नहीं मिली मेरे को। नाइस ओके चलो भाई ऊपर एक थोड़ा सा और मार के इसका 1.5 मिलियन तक पहुंचा देते हैं अपन डैमेज। वैसे इसको कितनी चाहिए भाई? वो मैक्स लेवल हो गया, 1.5 नहीं जा पाएगा गाइस क्योंकि ये मैक्स लेवल हो चुका है। ठीक है गाइस तो एक काम कर लेते गाइस, ठीक है एक मिनट रुक जाओ, इसको मेरे को पानी में एक बार चेक करना है, पानी में ये कुछ खास जलवा दिखा पाएगा? लगता नहीं भाई मेरे को कि पानी में ये खास कुछ कर पाएगा, लेकिन अपन चले जाते वहाँ पे और देख लेते। को ये छोटे छोटे जो जमीन के नीचे बैठे होते हैं ना डायनोज, उनको मार नहीं पाता भाई अपने पूछ से। ठीक है रुक जाओ, सामने जो पानी दिख रहा है ना उस पानी में जाके देख लेते हैं ये क्या जलवे दिखा देता है। वेट ओके भाई पानी में कुछ तो भाई तेज बीज निकल, वो पानी में इसकी स्पीड भाई काफ़ी ज़्यादा है यार, नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड इसकी पानी में है। ओ ये 1 मिलियन ओपी डैमेज बोलते हैं ना, आ जाओ रे शार्क फिर निकलना है, ऐची कट कट रहे तेरे ए डोंट टू जस्ट चिल रे बाबा, पानी में खतरनाक लग रहा है भाई, देख रहे हो भाई। ओ ये नाइस 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 ओपी यार, ओपी 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 ओपी, खतरनाक खतरनाक। ले भाई ले भाई ले भाई, शार्क ब्रिज को तो ऐसे मार दूंगा मैं। शार्क आ जाओ भाई, शार्क डॉल्फिन सारी पीछे बढ़ गई, निकलो बे निकलो 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 भाई भाई, शार्क आ जाना यार, मर जा मेरे से। ओ यस नाइस यार नाइस, खतरनाक खतरनाक। ठीक है तो ये क्या है, मेल या फीमेल है गाइस? ये भाई मेल, तो एक काम कर लेना गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में ना भाई, DOA हैज अराइव्ड, हु इज DOA भाई? ये भाई DOA कौन है ना, अपन अगले एपिसोड में देखेंगे, आज का जो एपिसोड है इस एपिसोड में बस इतना ही। ये जो मेल हमने भाई क्रेंटोसॉरस टेम कराया ना, इसके लिए खतरनाक वाले नाम नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट जरूर करना। और गाइस आज का जो एपिसोड है आर्क इटर्नल का, इस एपिसोड में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं गाइस आर्क इटर्नल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद यानी के चैनल की, उनके चैनल को भी जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आज का एपिसोड आपको आएगा पसंद तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मिलते हैं गाइस आर्क इटर्नल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू watching my video guys, see you later.
Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's